चेहरे पे दे दिया। अगर इस बेसन फेस पैक को नहीं दिया तो समझिए कुछ नहीं दिया। इससे आपके चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आएगा, चेहरा बिल्कुल ब्राइटन हो जाएगा, आपकी स्किन पे चाहे कितने तरीके के दाग धब्बे हो वो हट जाएंगे, चेहरे पे चाहे या पिगमेंटेशन या कालापन है या शादी पार्टी में जाना है, ट्रस्ट करिए ये बेसन से बना पैक आपकी स्किन पे इतना ही ग्लो लाएगा, चेहरा बिल्कुल शाइन करेगा, ये आपकी स्किन को बिल्कुल चेंज करके रख देगा। बेसन से बना ये फेस पैक आपके घरेलू फेस पैक है जिसमें आपको पैसे भी खर्च नहीं करने हैं और आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। कैसे बनाना है जानना है ना, और इन सारी चीजों का फायदा उठाना है ना, तो चलिए बताते हैं आज की रेमेडी विदाउट वेस्टिंग टाइम। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है उसे प्रेस किए बिना आगे मत बढ़िएगा, उससे आपको मेरी वीडियोस की रोजाना नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको पता चलता रहेगा कि मैं अपने चैनल पे क्या क्या नए नए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए आज की रेमेडी प्रिपेयर करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके चेहरे पे कालापन झाइया पिगमेंटेशन से बहुत परेशान है तो बेसन से बना ये फेस पैक घर पे घरेलू उपाय है जो आप घर पे कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए। इसमें सारे इंग्रेडिएंट जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो आपके घर में अवेलेबल है, आपको पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे, बाहर जाकर के इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कॉलेज या फिर आप घर पे हैं, आप बाहर इतना टाइम नहीं है कि दे नहीं सकते फेस पे, तो ये 2 मिनट का नुस्खा कह सकते हैं जो आप घर बैठे आजमा सकते हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं, मुझे तो मिले हैं तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आ गई हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां क्या किया है, एक क्लीन बाउल लिया है जिसमें ये पैक प्रिपेयर करने वाली हूं और एक स्पून की जरूरत पड़ेगी जो ये पैक को मिक्स करने में हेल्प करेगा। तो आपको लेना है एक साफ क्लीन बाउल जिसमें आप फेस पैक बनाइएगा और एक स्पून जो भी क्लीन होनी चाहिए, जो क्लीन होनी चाहिए बिल्कुल स्किन के लिए है, तो आप तो ये माइंड सेट करके रखिए कि ऐसा चीजें दे जो मेरे स्किन को मतलब कि मेरे स्किन के लिए हेल्दी हो। तो आप अपने स्किन के लिए अलग एक बाउल रख लिया कीजिए जो आप सिर्फ रेमेडी के लिए इस्तेमाल करेंगे, और मेरे साथ यही है कि मैं कुछ बाउल जो है ना सेलेक्टिव बाउल को अलग रखती हूँ जो मेरे स्किन के लिए प्रॉपर मेरे स्किन के लिए ही होता है। इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जैसा कि मैंने कहा कि बेसन, बेसन जो होता है ना स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो देता है, बहुत अच्छा से जो स्किन पे ब्राइटनेस देता है, चेहरे पे हो रहे हैं जितने भी एंटी एजिंग प्रॉब्लम है उसे ठीक करता है, टाइट कर देता है स्किन को, बिल्कुल ऐसे करके खींच देता है। तो स्किन पे बेसन के बहुत अच्छे रोल होते हैं, ये वही बेसन है जो आप अपने घरों में पकौड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, कढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और इसे मैंने क्या किया है 1 चम्मच भर करके ले लिया है, 1 से 2 चम्मच आपको लेना है, इसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो बेसन तो हमने यहाँ पे ले लिया है, अब हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से बेसन ले लिया है, इसमें हम मिलाने वाले हैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल। यस फ्रेंड, ये जो एलोवेरा जेल है ना आपकी स्किन के हो रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, आपकी स्किन पे हो रहे हैं कालेपन को ठीक करता है, आपकी स्किन पे हो रहे हैं टैन को ठीक करता है। आप चाहे तो जो प्लांट वाले एलोवेरा जेल है उसे भी ये आप मिला सकते हैं। तो इसे आपको कितना लेना, 1 चम्मच के जैसा आपको इसमें एड कर देना है। तो आपको क्या करना है, इससे 1 चम्मच जैसा, देखिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच जैसा इसमें इसको ऐड कर दूंगी और इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिला देना है। तो ये तो बिल्कुल आप कंसेप्ट क्लियर है कि आपने 1 से 2 चम्मच बेसन ले लिया और 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे टर्मरिक। हल्दी जो होता है ना आपके चेहरे पे 300 प्रकार के मतलब 300 प्रकार कितने हो सकते प्रकार के एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो आपके चेहरे पे हो रहे हैं पिंपल्स, फंगल इन्फेक्शंस, इरिटेशन, रेडनेस को बहुत अच्छे से डीपली ठीक कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है कस्तूरी हल्दी, पिंच ऑफ यानी कि आपको बिल्कुल आधा चम्मच से कम करके आपको इसमें इस तरीके से ले लेना। देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा भी दूंगी, इस तरीके से ये देखिए मैंने कितना कम लिया है, ये देखिए बस आपको इतना ही लेना है और इस पैक के लिए इसमें मिला देना है और इन सबको अच्छे से मिलाना है। देखिए मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे से मैंने इसे क्या किया है, मिला दिया है और हमने इस पैक को बनाने के लिए यहाँ इस्तेमाल किया है क्या, कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क। इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है
और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि नहीं मेरा पेस्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छा, बेसन में जब आप कुछ भी लिक्विड मिलाते हैं ना वो बहुत जल्दी से लिक्विड हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा दिया कीजिए ताकि आपको पता चले कि नहीं ये मैं अगर अभी टाइट लग रहा है तो और देना है। तो इसके लिए आप क्वांटिटी बिल्कुल ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे आपने लिया है 2 से 3 चम्मच 4 चम्मच जैसा भी आपने। ये फुल बॉडी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन पे अगर बहुत ज्यादा डलनेस है तो आप इसे पूरे स्किन के लिए आप अच्छे से पैक बना लेंगे। और बना के पैक को क्या करना है, 2 मिनट के लिए छोड़ना। ये देखिए पैक तो बन गया है, पर इसे हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ये इस तरीके का पैक बन के रेडी हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज्यादा लिक्विडी है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और मिला दिया है बेसन। और अब इसकी कंसिस्टेंसी आप मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है, जो आपको चेहरे पे लगेगा, क्योंकि हमें ऐसा पेस्ट बनाना है जो चेहरे से बिल्कुल फटफट से गिरे नहीं और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, जो आपके चेहरे पे जाके स्टक हो जाए, बहुत अच्छे से मतलब ब्लेंड ना हो। तो अच्छे से आपने पैक बना लिया है। अब हमने अपना जो पैक था ना इसे रखना है साइड में 2 मिनट के लिए। और अब हमें क्या करना है, इस पैक को लगाने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है चेहरे को करना क्लीन। क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, चेहरे पे तो कुछ लगा नहीं, बस लिपस्टिक लगा हुआ है, फिर भी आपके सामने क्लीन करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा कच्चा दूध, और अब इसे क्या करूंगी, इसे अपने हैंड में ले लूंगी और इससे करने वाली हूँ अपनी स्किन को क्लीन। और आपको भी अपने चेहरे पे इसी तरीके से करना है क्लीन। कच्चा दूध घर पे है ना, आपको बस अपने हाथ में लेना है और हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, ताकि आपकी स्किन पे अगर कोई भी गंदगी मैल है वो इजीली से निकल जाए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डर्ट पॉल्यूटेंट से भरी है और आप कच्चे दूध से अगर अपने स्किन को कर रहे हैं क्लीन, तो आप ये चीज देखिएगा, आपकी जो दूध है मिल्क का कलर है ना बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, ये कालेपन पे आ जाएगा, आपके चेहरे से सारी गंदगी मैल निकलने लगेगी। तो आपको क्या करना है, इसे हल्के हल्के हाथों से कर लीजिए मसाज, और मसाज करके अपने अच्छे से जब क्लीन करिएगा ना, तो आपके चेहरे पे अगर आप पैक दे रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छा सा काम करता है, वो आपकी स्किन को बहुत जल्दी से ग्लोइंग बना देगा। तो चेहरे को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आप क्लीन करते हैं ना, 2-3 स्टेप मसाज के जो मैं बताती रहती हूँ उसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपके स्किन पे अच्छे से मसाज भी हो रहा है, आपकी स्किन ग्लो भी कर रही है, आपकी स्किन शाइन भी कर रही है। तो हल्के हल्के हाथों से हमने कर लिया मसाज, अब क्या करना है, इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेते हैं ताकि आप पैक लगा सके। फाइनली मैंने अपने स्किन को वॉश कर लिया है, आपने क्लींजिंग कर लिया है अपने स्किन को। आप देखिएगा कि आपकी स्किन काफी ज्यादा क्लीन हो गई है, जैसे आपने यहां में मैं दिखा रही हूँ क्लीन करके, एक्सेप्ट लिपस्टिक। मेरे स्किन पे आपको कोई मेकअप कुछ भी नहीं दिखेगा, और मैंने कच्चे दूध से अपने स्किन को आपके सामने क्लीन किया है। आपको ड्राई टॉवल लेना है और अपने स्किन को क्या करना है, अच्छे से वेट कर लेना है, यानी कि सुखा लेना है। अब बारी है पैक की, जो मैंने बना रखा है यहाँ से, यहाँ पे जो मैंने बेसन का पैक बना रखा है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब क्या करना है, आपको अपने हैंड की हेल्प से मसाज करते हुए इसे अपने पूरे स्किन पे लगा लेना है। और हमें मसाज करना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपने जैसे तैसे लगा लिया, ये मसाज करने से आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से अंदर चला जाता है, आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से ब्लेंड होने लगेगा। ये इस तरीके से आपको अपने पूरे स्किन पे मसाज करते हुए लगा लेना है। अगर आपके नेक में बहुत ज्यादा डार्कनेस है, टैन है, गंदगी है, मैल है, तो आप अपने स्किन पे लगा सकते हैं, अपने नेक पे लगा सकते हैं, अपने बैक नेक में लगा सकते हैं, ये फुल बॉडी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे स्किन पे इसे लगा लेना है। लगा के कितनी देर छोड़ना है, 20 मिनट के लिए आपको छोड़ना ही छोड़ना है। लड़का हो या लड़की हो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 साल की उम्र से बड़े लोगों को ही इस्तेमाल करना है, बच्चों को नहीं इस्तेमाल करना है। और स्किन पे किस लिए इस्तेमाल करना है, अगर आपकी स्किन बहुत डल पड़ चुकी है, कालापन आ चुका है, या चेहरे पे शादी पार्टी में जाना है और आपको इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है पार्लर में, घर बैठे वैसे ही ग्लो पाना चाहते हैं, तो इस पैक को लगा लेंगे। इस तरीके से आपने लगा लिया है, अब 20 मिनट के लिए अपने स्किन पे से लगा के छोड़ देना है। नेक पे बिल्कुल लगाया कीजिए, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना, नेक से अनटोन ना दिखे, ज्यादा का डिफरेंस ना दिखे, आप इस तरीके से जहां पे आपकी एरिया में बहुत ज्यादा डार्कनेस है वहां लगा लीजिए। इस तरीके से मैंने लगा लिया है, ईयर्स में लगा लीजिए, ताकि आपके फेस का कलर ना बिल्कुल चेंज ना लगे आपके ईयर्स से।
तो हमने ये पैक देखिए पूरा लगा लिया है और अब हम छोड़ने वाले हैं इसे बिल्कुल 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पे लगा के 20 मिनट के लिए आपको छोड़ना ही छोड़ना है। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ नॉर्मल वाटर से वॉश करके कि इससे कैसा रिजल्ट मिलता है। तो आप अपने हैंड में भी लगा सकते हैं, अगर बच जाए तो, मेरा तो बिल्कुल भी फिनिश हो गया गाइस। तो आपने क्या करना है, अपने हैंड में भी लगा लेना है इस तरीके से, ताकि आपके जो हैंड में अगर टैन वैन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो चला जाए। और लगाने के बाद क्या करना है, हल्के हाथों से 2 मिनट का मसाज करना है इस तरीके से। और जब भी आप भी जब 20 मिनट हो जाए और अपने चेहरे को वॉश करें तो हल्के से पानी से लेकर के फिर से आपको इसे मसाज करते हुए ही हटा लेना है। ये दोनों स्टेप आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, लगाने के बाद भी आपको मसाज करना है और जब आप इसे हटाएंगे तो भी आपको मसाज करना है। तो हमारे स्किन पे ये लग चुका है, अब मिलते हैं हम 20 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करके। फाइनली मैंने अपनी स्किन से इसे वॉश आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो आपने स्किन को पहले सबसे पहले ड्राई करना है और यहाँ पे मैंने कोई भी मेकअप कुछ भी नहीं किया, ये देख सकते हैं स्किन जो है ना बिल्कुल नेचुरल स्किन है। और इसे लगाने के बाद और निकालने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है, कितना ग्लो आ गया है। तो घर बैठे आप घर पे बिना पैसे खर्च किए कैसे अपने स्किन को फेशियल वाला ग्लो दे सकते हैं, इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा शाइनियर हो जाए। शादी पार्टी किसी भी स्पेशल ओकेजन में जाना, इस फेशियल को घर बैठे कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, कोई भी मॉइस्चराइजर है या कुछ भी सीरम या कोई क्रीम बना रखा है, तो मैंने यहाँ पे अभी हाल में ही एक सीरम बना रखा है जो मैं अपने स्किन पे से लगाने वाली। आपको ऐसे ही अपने स्किन को नहीं छोड़ना है, कोई मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, एलोवेरा जेल लगा लीजिए या आप अपने स्किन पे कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। इससे क्या क्या होगा, आपके स्किन पे जो कहते हैं ना पैक लगाने के बाद बहुत सारे लोगों के स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है, वो नहीं आएगा और आपकी स्किन लॉक हो जाएगी बहुत अच्छे चीजों से। तो मसाज कैसे करना है, हल्के हल्के हाथों से आपको लगा करके इस तरीके से मॉइस्चराइजर लगाएं या कोकोनट ऑयल लगाएं या कुछ भी आप लगा रहे हैं अपने चेहरे पे, कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रहे हैं, तो इसे हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेना है और अच्छे से अपने स्किन को प्रेप करना है। ये देखिए मैंने एक DIY मॉइस्चराइजर बना रखा है, सीरम बना रखा है, उसे ही अपने चेहरे पे लगा रही हूँ और इसके बाद मेरे स्किन होने वाली है बहुत ही ज्यादा ब्राइटेड। सो गाइस ये देख सकते हैं स्किन पे कोई मेकअप कुछ भी नहीं है और स्किन कितनी ज्यादा शाइन कर रही है। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए इसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल से स्टेप्स मैंने बता रखे हैं। अगर आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है कमेंट के थ्रू जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अगर आप 15-20 साल की उम्र से बड़ी हैं तो आप बिल्कुल इस स्टेप फेशियल्स को कर सकती हैं। बेसन से घर बैठे कैसे अपने स्किन को ब्राइटन करना है इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कमेंट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट के थ्रू जरूर पूछ लीजिएगा। अपनी स्किन टाइप जरूर मेंशन करिएगा कि आप किस स्किन टाइप में आते हैं, नॉर्मल ड्राई या सेंसिटिव स्किन में आते हैं। चलिए आई होप यू गाइस कि आप समझ गए हैं। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखें। बाय बाय।